क्योंकि पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत गलत है। दर हकीकत आप जब इतना अरसा आप एक, एक इस तरह के सिस्टम में हो, आपकी रिप्यूट इस तरह की बन चुकी हो, उस पर फिर जाहिर है आप सोचों को तो ताले नहीं लगाए जा सकते। जब भी इस तरह का वाकया होता है फिर सोचें दूसरी साइड पर जाती, लेकिन गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। इसने हमें क्या दिया है सिवाय इसके कि आज फिर हम अनार्की उस खड़े दौर में खड़े हुए हैं एंड वी डोंट हैव अ वे आउट के ना दुनिया में हमारी कोई मदद करना चाह रहा है और ना ही हम उनके साथ खुद बैठ के कोई मसला हल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे, और गलत हुआ, जो कुछ हुआ गलत हुआ, ज्यादती हुई। इसकी वजह से पाकिस्तान को एक हैवी प्राइस अगले 5-10 साल में पे करनी पड़ सकती है। अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, तो आप देखें जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्ज़ाम यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं, सारी उम्र का शिकोर लेके फिरते रहे हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल में और गाना और श्रीलंका की सूरत हाल में आप सिमिलैरिटीज क्या देखते हैं, क्या अभी भी वो सिमिलैरिटीज स्टैंड करती हैं? लेकिन आज भी हम आटा दाल चीनी और इन चीजों में फंसे हुए हैं और आटे की कतारों में बटे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी नुकसान है क्योंकि पाकिस्तान पे उंगलियां आएंगी, इल्जाम आएंगे, चीजें आएंगी, और मैं समझता हूँ कि उनको अच्छे तरीके से बताना। बात तो हमने ईद की करनी थी, हमने सोचा था हम जरा ईद पे शो बनाएंगे, लेकिन सर अभी कुछ देर पहले ही जो है वो जैसा साहब आपसे भी बात हुई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो है उनकी जाने गई हैं, और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे SCO की मीटिंग के लिए और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए फौजी यानी इंडियन फौजी जो है वो शहीद हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर अभी क्या चल रहा है? देखें आरजू, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा जिसने भी ये किया है, गलत किया है, क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो, और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया है। बिलखसूस जिस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे, मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन ये फिर मैं इसका ये इस रीजन के अंदर यही तो बदनसीबी है कि जो एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ अभी। लेकिन मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत गलत है, इन्वॉल्व मेरे ख्याल में इसके नहीं होंगे वो, क्योंकि इस वक्त हालात जो है उनका टोटल फोकस पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पर है, और अगर बिलावल भुट्टो साहब का जाना था तो अल्टीमेटली इट मींस के स्टेट वाज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स, लेकिन इनपे इसको क्लैरिफाई करें कि आप हु इज इन्वॉल्व, और इंटेलिजेंस शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ, इस चीज को देखें कौन है उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये किया, इतना गलत स्टेप उठाया। और अभी उनका विजिट कैंसिल नहीं हुआ है सर, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट कैंसिल नहीं हुआ है, ना ही इंडिया की तरफ से अभी कोई तरह का नाम पाकिस्तान की तरफ लगाया गया है, लेकिन लग यही रहा है जो हम पहले देखते रहे हैं माजी में वही कुछ शायद फिर रिपीट होता हुआ दिखेगा। नहीं आरजू, वही होता है कि दर हकीकत आप जब इतना अरसा आप एक इस तरह के सिस्टम में हो, आपकी रिप्यूट इस तरह की बन चुकी हो, उस पर फिर जाहिर है आप सोचों को तो ताले नहीं लगाए जा सकते। जब भी इस तरह का वाकया होता है फिर सोचें दूसरी साइड पर जाती, लेकिन गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, और इसका हल यही है कि एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करके जो लोग हैं उनको पकड़ें, और पकड़ेंगे उनको सजा देंगे ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का वाकया ना हो और मजीद डीस्टेबलाइजेशन की तरफ ना जाए। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, और इस मौके पर खासकर जब वहां पे ईद थी, आज आखिरी रोजा था, और इस मौके पे मेरा मकसद इस तरह का काम करना ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि गैर इस्लामी है। मैं किसी को भी मारना, मैं समझता हूँ किसी की भी जान लेना गैर इस्लामी, इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। गलत हुआ, जो कुछ हुआ मैं समझता हूँ इसको मैं कंडेम करना चाहूंगा, अफसोस है मुझे कि हुआ है। मैं तो आरजू अगर मुझसे पूछे मैं बिल्कुल ही किसी, मैं तो जानवर तक किसी को मारने के हक में नहीं हूँ, ये तो फिर लोग थे। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे,
और गलत हुआ है, जो कुछ हुआ गलत हुआ, ज्यादती हुई है। मैं इसको बड़े भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करना चाहूंगा और खास कर ये कहूंगा कि इसको फौरन किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए बल्कि कंडेम करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए के मरने वालों के लिए और खासकर उनकी फैमिलीज के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला भगवान वाहे गुरु उनको सब्र दे, सब्र दे। गलत हुआ जो कुछ। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी के जैसे ही फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया कि वो जा रहे हैं उस मीटिंग में एससीओ की, उसके फौरन बाद एक ही दिन में हमने ये देखा कुछ ही घंटों में इस किस्म का हादसा, इत्तेफाक है या आपको लग रहा है कि कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है? देखिए मैं ये कई ऐसी कुवतें मौजूद होंगी आरजू जो ये नहीं चाहती कि दोनों ममालिक जो है वो करीब आए। अल्टीमेटली ये बड़े अरसे बाद हो रहा था, हालांकि ये बिलावल भुट्टो साहब का जाना बड़ा एक मेरे ख्याल में पॉजिटिव एक चीज थी। मैं तो बड़ा इस चीज पे पुरउम्मीद था कि बड़ा अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसे पार्टियां ऐसी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान कोई अच्छे रवाबत हों। ये बिल्कुल आपका इशारा ठीक है आरजू इस तरफ, लेकिन यही है कि उनको जब तक आप जॉइंटली मिलके उस तीसरी ताकत जो इनको इकट्ठा नहीं देखना चाहती उसके खिलाफ जब तक ये नहीं करेंगे ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। मैं तो हमेशा आपको पता है इस चीज पे फोकस करता हूँ कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, और भारत के लिए जो कि इस रीजन की उभरती हुई ताकत है उसके लिए भी जरूरी है कि रीजनल रोल अदा करें। पाकिस्तान की सूरत हाल में और गाना और श्रीलंका की सूरत हाल में आप सिमिलैरिटीज क्या देखते हैं? क्या अभी भी वो सिमिलैरिटीज स्टैंड करती हैं पिछले हफ्ते की यूएई और सऊदीया वाली डेवलपमेंट्स के बाद? ये बेसिकली पाकिस्तान का एक बिल्कुल सिमिलैरिटी श्रीलंका और घाना से इस तरीके से थी कि वहाँ पर भी पॉलिटिक्स की वजह से जो नेसेसरी स्टेप्स इकोनॉमी को ले जाने को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए चाहिए थे वो उन्होंने भी बहुत डिले से किए। वहाँ पर भी जो है वो टैक्स रेशियोज काफ़ी कम थे, वहाँ पर भी उन्होंने पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर टैक्स में कमी की थी, जिसकी वजह से उनके डेट लेवल्स जो है वो बहुत अलार्मिंग लेवल।